1955 से ही लघु उद्योगों के विकास के लिए प्रयासरत नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन एमएसएमईज के विकास में एक अहम कड़ी रहा है। एनएसआईसी के कई इनिशिएटिव्स ने एसएमईज के विकास में अपना योगदान दिया है। एक नए प्रोग्राम के तहत स्वरोजगार या अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए एनएसआईसी ने 100 से ज्यादा ट्रेनिंग कम इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाए हैं। ट्रेनिंग कम इंक्यूबेशन सेंटर्स से लगभग 50,000 नए उद्यमी हर साल निकल रहे हैं। दिस सेंटर वी हैव द मॉडल ऑफ रैपिड इंक्यूबेशन फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट वर्किंग स्मॉल प्रोजेक्ट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजीज व्हिच आर सिंपल टू ऑपरेट All for creating new enterprises in our country. यहाँ नए उद्यमियों को भी व्यवसाय की बारीकियों से अवगत कराया जाता है। इसके लिए 3 और 6 महीने के कोर्सेज हैं, जिनकी फीस 500 से 50,000 तक है। यहाँ के प्रशिक्षण में फैशन डिजाइनिंग, कपड़े सिलना, मोजे बनाना, सोया मिल्क प्लांट, बेकरी, बोतल बनाना, स्पाइस ग्राइंडर प्रोजेक्ट, ब्यूटीशियन कोर्स आदि शामिल है। Entrepreneurs who got trained over here have set up their own enterprises, are role models for various other youth of a country to set up new enterprises and become employers rather than job seekers. इन सभी का जब हमने विस्तार से जायजा लिया तो ये नए उद्यमियों के लिए सफलता की पहली सीढ़ी जैसा लगा। टॉयलेट पेपर बनाने वाली मशीन से लेकर स्पून बनाने वाली मशीन तक अपना काम मिनटों में कर रही थी। मैंने एनएसआईसी के इंक्यूबेशन सेंटर से फैशन डिजाइनिंग में प्रशिक्षण लिया और अपना वर्कशॉप खोला, जो कि बहुत अच्छा चल रहा है। एनएसआईसी के इंक्यूबेशन सेंटर से प्रशिक्षण लिया है और उसके बाद मैंने अपना उद्यम शुरू किया है। यहाँ से प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उद्यमी अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंकों से लोन ले सकते हैं। इस प्रक्रिया में सेंटर भी उनका साथ देता है। सेंटर ने इसके लिए बैंकों के साथ साथ प्रधानमंत्री रोजगार योजना के साथ भी टाई अप किया है। एनएसआईसी के ये इंक्यूबेशन सेंटर देश में एसएमईज को तो बढ़ावा दे ही रहे हैं, साथ ही लोगों को स्वरोजगार के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं। इट्स अ जर्नी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट टू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट व्हिच वी एनेबल पीपल टू ट्रैवल एट दिस इंक्यूबेशन सेंटर और व्हाट आवर ऑनरेबल मिनिस्टर सेज बेरोजगार से स्वरोजगार। सो दिस जर्नी आई एम श्योर विल ट्रांसफॉर्म द लाइव्स ऑफ सेवरल एज इंडिया is positioned to become the youngest nation in the world.